आइए अब मंदिर परिसर में चलते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। हम पूर्व दिशा से प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए जय सियाराम और घंटा बजाइए। सामने श्री राम लला का मुख्य मंदिर दिख रहा है। इससे पहले पूरे मंदिर परिसर को देख लेते हैं। ये परकोटे का गलियारा है, 732 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा। ये राम लला का परिक्रमा पथ भी है। अब मुख्य मंदिर में चलते हैं। हम मंदिर पहुंच चुके हैं सिंह द्वार पर। यहां से सीधा देखिए आपको गर्भगृह के बाहर की झलक दिख रही होगी। इस मंदिर के सभी स्तंभ और आकृतियां राजस्थान से लाए गुलाबी पत्थर के बने हैं। भगवान का स्मरण करते हुए घंटा बजाइए। अब आगे बढ़ते हैं। सिंह द्वार से आगे 5 मंडप हैं। सबसे पहले नृत्य मंडप, ये भजन कीर्तन के लिए बनाया गया है। इसके आगे रंग मंडप से होते हुए आप गुड़ मंडप में पहुंचेंगे। गुड़ मंडप की बाई ओर कीर्तन मंडप बनाया गया है। गुड़ मंडप से दाई ओर देखिए, ये प्रार्थना मंडप है। आप गुड़ मंडप तक ही जा सकते हैं। सामने गर्भगृह दिख रहा है। लीजिए, गर्भगृह के कपाट खुल गए। साक्षात रामलला विराजमान है। दर्शन कीजिए, श्री रामलला को पुष्प अर्पित कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए और अब श्री राम ज्योति जलाइए। हर सुन जाए कहीं मंजूर मंगल